अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फैसल। वेलकम टू द प्रोजेक्ट सेकंड हैंड मोबाइल। दोस्तों, आज ओप्पो की तरफ से मार्केट में एक और न्यू डिवाइस को लॉन्च किया गया है, वो है ओप्पो A11K। इससे पहले इससे रिलेटेड डिवाइस ओप्पो A1K मार्केट में मौजूद थी, अब उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके ओप्पो A11K को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। इसका जो प्राइस टैग रखा गया है वो है 19,000। अब 19,000 में आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है उसमें 2GB 32GB का कम्बिनेशन है। हालांकि मेरे मुताबिक अब इस कैटेगरी में, इस रेंज में कम से कम 3GB 32GB का कम्बिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपको मीडियाटेक का हीलियो P35 का प्रोसेसर मिलता है, 4000mAh बैटरी मिलती है, दो रियर कैमरे हैं, एक 13 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा बैक साइड पे फिंगरप्रिंट है। दोस्तों, फिंगरप्रिंट भी जस्टिफाई करता है इस पे प्राइस टैग को, दो कैमरे भी करते हैं। हालांकि जो हवावे की तरफ से न्यू डिवाइस लॉन्च की गई है हवावे Y6P इस कैटेगरी में, वो 3 रियर कैमरों के साथ आती है और उनका रिजल्ट भी ओप्पो की नस्बत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा वो 64GB कम्बिनेशन के साथ आती है और ये डिवाइस 32GB कम्बिनेशन के साथ आती है। अब मेरे ख्याल से ओप्पो को मार्केट को कैप्चर करने के लिए कम से कम इस रेंज के अंदर 3GB 32GB का कम्बिनेशन देना चाहिए था। ओप्पो के मोबाइल अच्छे होते हैं, इनकी रीसेल भी अच्छी है, लेकिन ओप्पो पिछले कुछ मंथ से कोई ऐसी डिवाइस लॉन्च नहीं कर पाया जिससे वो मार्केट को कैप्चर कर सकता। अब A11 के मिड रेंज, बल्कि लो मिड रेंज की एक डिवाइस है जिसमें ज़्यादातर लोग इसी रेंज को पाकिस्तान में बाय करते हैं, तो इस डिवाइस को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए ताकि वो मार्केट को अच्छे तरीके से कैप्चर कर सके। अब 2GB 32GB का कम्बिनेशन इस डिवाइस को बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं करेगा, इस डिवाइस को कैप्चर नहीं करने देगा मार्केट को। अब इसी रेंज के अंदर जो मेरा, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर तो आप गूगल के बगैर काम चला सकते हैं तो इस डिवाइस, इस रेंज में इस डिवाइस से बेहतर Y6P है। इसके अलावा अब बंद हो गया, मार्केट में डिब्बा पैक नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको सेकंड हैंड भी कहीं से मिलता है तो Realme C3 इस कैटेगरी का क्लियर विनर है, क्योंकि उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो इस रेंज में आपको किसी और डिवाइस में नहीं मिलेगी। तो A11 के का जो कस्टमर रिव्यू है वो भी मैं जल्द से जल्द इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा कि कस्टमर्स के क्या व्यूज़ हैं जो बाय करके लेके जा रहे हैं और या जो सेल कर रहे हैं, उनके जो व्यूज़ हैं वो भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूंगा। तो अगर आप इस डिवाइस को लाइक करते हैं तो कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।